नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। आज हम करने वाले हैं एक बजट लैपटॉप का अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। तो ये जो लैपटॉप है ये आता है एसस की तरफ से और इसका मॉडल नंबर है X543MA और इस लैपटॉप में मिलता है इंटेल का पेंटियम सिल्वर क्वाड कोर CPU। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या चीज़ें मिलता है और जो लैपटॉप है इसका क्वालिटी कैसा है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये जो एसस का लैपटॉप है इसका मॉडल नंबर है X543MA और इसको आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो लगभग 22,000 रुपीज़ के अंदर। तो अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करना चाहते हो या फिर इसके करंट प्राइस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो मेन लैपटॉप बॉक्स है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पर एसस का ब्रांडिंग दिया गया है और साइड पे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इसका मॉडल नंबर दिया गया है और इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है सितंबर 2020 का और इसका जो MRP बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड है वो है 30,990 रुपीज़ और ये जो लैपटॉप है ये मेड इन चाइना है। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसका स्पेसिफिकेशंस मैं आगे बताऊंगा, अभी हम बॉक्स को ओपन करते हैं और लैपटॉप को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले मिलता है ये लैपटॉप, इसके बाद मिलता है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी सर्टिफिकेट और इसमें आपको एक साल का वारंटी देखने को मिलता है और इसी के साथ मिलता है एक चार्जिंग एडाप्टर जो कि काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है और ये जो चार्जर है ये 33 वाट पावर को डिलीवर करता है। और जो यहाँ पर इंडियन प्लग एडाप्टर दिया गया है आपको कुछ ऐसे इसको इंसर्ट करना होगा और इसके बाद आप इस चार्जर को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मिलता है मेन लैपटॉप जो कि कुछ स्टेप के एक पाउच में आता है और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस लैपटॉप के साथ कोई भी बैग नहीं आया है और इसी के साथ बॉक्स में मुझे कोई भी इनवॉइस देखने को नहीं मिला। तो जो फ्लिपकार्ट की तरफ से ईमेल आया है वहाँ से आप इसका जो इनवॉइस है इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो लैपटॉप है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो कलर है वो है सिल्वर कलर का और यहाँ पर आपको एक मेटलिक फिनिश देखने को मिलता है, लेकिन जो एंटायर लैपटॉप है ये पॉलीकार्बन से बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इस लैपटॉप का वेट है लगभग 1.9 किलोग्राम। ये जो लैपटॉप है ये एक फुल साइज लैपटॉप है और इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 15.6 इंचेस का और ये एक HD डिस्प्ले है जो कि एक TFT डिस्प्ले है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो डिस्प्ले है इसमें आपको IPS पैनल देखने को नहीं मिलता है, तो अगर आप इसको साइड से देखेंगे तो आपको जो कलर शिफ्टिंग है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें जो CPU दिया गया है वो है पेंटियम सिल्वर जिसका मॉडल नंबर है N5030 और ये एक क्वाड कोर CPU है। इसका फ्रीक्वेंसी 1.10 से लेके 3.10 GHz तक जा सकता है और इसका जो कैश है वो 4 MB का है। ये CPU 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है और इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिलता है। इसका TDP है 6 वाट का और ये इंटेल UHD 605 ग्राफिक्स के साथ आता है। तो ये जो CPU है काफ़ी एंट्री लेवल CPU है जिसमें आप हेवी टास्क नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मल डे टू डे यूज़ में, ऑफिस वर्क में, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या फिर एक्सेल या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट, इन सारे काम ये जो CPU है काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेगा। और इसी के साथ इसमें दिया गया है 4 GB का रैम जो कि LPDDR4 रैम है, लेकिन ये जो रैम है ये ऑनबोर्ड रैम है तो इसको आप ना ही निकाल सकते हो और ना ही अपग्रेड कर सकते हो। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 1 TB का हार्ड डिस्क देखने को मिलता है जो कि तोशिबा की तरफ से आता है। तो मेरा सजेशन यह है कि आप फ्यूचर में ये जो हार्ड डिस्क है इसको आप चेंज करके आप SSD लगा लीजिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने को मिलेगा। और इस लैपटॉप में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.1 का सपोर्ट दिया गया है और इस लैपटॉप में 2 वाट के डुअल स्पीकर्स दिया गया है जो कि ASUS के सोनिक मास्टर को सपोर्ट करता है जिसका आउटपुट काफ़ी अच्छा है। और पोर्ट्स की बात करें तो आपको इस लैपटॉप के लेफ्ट साइड में मिलता है सबसे पहले पावर इनपुट, इसके बाद मिलता है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, इसके बाद मिलता है एयर वेंट, नेक्स्ट आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट जो कि एक फुल साइज HDMI पोर्ट है, नेक्स्ट मिलता है एक USB 3.0 पोर्ट और इसके बाद मिलता है 2 USB 2.0 पोर्ट और इसके साइड में आपको मिलता है LED इंडिकेटर और इसी के साथ एक 3.5 mm कॉम्बो ऑडियो जैक और राइट साइड में सेट पर सेफ एक लॉक पोर्ट दिया गया है। तो इसमें आपको कोई भी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर देखने को नहीं मिलता है और ना ही इसमें आपको कोई भी RJ45 का LAN पोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप LAN पोर्ट का ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको अलग से एक डोंगल को परचेस करना होगा और इसमें आपको कोई भी USB Type-C पोर्ट भी देखने को नहीं मिलता।
और नीचे की तरफ देखा जाए तो आपको इसमें रबर पैडिंग्स दिया गया है और इसी के साथ इसमें कुछ एयर वेंट्स दिया गया है और इसमें आपको कोई भी स्पीकर्स के लिए कटआउट देखने को नहीं मिलता है। जो स्पीकर्स है वो लैपटॉप के अंदर हिडन है और इस लैपटॉप का कीबोर्ड कुछ इस टाइप का है और इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिलता है। आपको अलग से नंबर पैड भी देखने को मिलता है और जो यहाँ पर एंटायर कीबोर्ड है ये सिल्वर कलर का है जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और जो कीबोर्ड है इसका क्वालिटी भी डिसेंट है और यहाँ पर जो ट्रैक पैड दिया गया है वो भी काफ़ी सही है और इसमें आपको जेस्चर्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और एक बात, यहाँ पर जो लेफ्ट और राइट बटन है ये ट्रैक पैड के अंदर ही दिया गया है और जो स्क्रीन है कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 15.6 इंचेस का एक HD डिस्प्ले देखने को मिलता है और जो डिस्प्ले है ये एंटी ग्लेयर है और इसी के साथ आपको डिस्प्ले के चारों साइड पे आपको काफ़ी बड़ा सा बेजल्स देखने को मिलेगा और ऊपर में एक VGA वेब कैमरा दिया गया है जिसका क्वालिटी ऑनेस्टली उतना कुछ खास नहीं है। इस लैपटॉप के साथ विंडोज 10 होम एडिशन आता है जो कि 64 बिट का है और ये जो विंडोज है ये प्री एक्टिवेटेड आता है लेकिन इस लैपटॉप के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री एक्टिवेटेड नहीं आता है, आपको अलग से परचेस करना होगा या फिर आप WPS ऑफिस को भी यूज़ कर सकते हो जो कि फ्री है और काफ़ी सही है। और जो 1 TB का हार्ड डिस्क दिया गया है इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है, आपको मैनुअली जो पार्टीशन है उसको करना होगा। और जब भी आप लैपटॉप को पहली बार बूट करते हो तो आपको सबसे पहले जो सेटअप है उसको कंप्लीट करना है और इसके बाद आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज करना है जिसके बाद जो लैपटॉप है थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस आपको देगा। अदरवाइज आपको जो परफॉर्मेंस है वो उतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपको कौन सा सेटिंग को चेंज करना है काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी आप देख लीजिए इसका जो बूट टाइम है ये कैसा है। अभी मैं कुछ म्यूजिक को यहाँ पर प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो साउंड क्वालिटी है, जो स्पीकर का आउटपुट है ये कैसा है। तो आप देख सकते हो इसका जो स्पीकर का आउटपुट है काफी सही है और इसी के साथ आपको इसमें असूस का सोनिक मास्टर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक HD डिस्प्ले है लेकिन ये जो डिस्प्ले है ये IPS पैनल के साथ नहीं आता है, इसमें आपको TFT पैनल देखने को मिलता है जिसकी वजह से अगर आप साइड से जो डिस्प्ले है इसको देखेंगे तो आपको कलर शिफ्टिंग देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज जो डिस्प्ले का क्वालिटी है प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी सही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लैपटॉप है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी सही है। इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी डिसेंट है। इसमें आपको विंडोज 10 प्री एक्टिवेटेड देखने को मिलता है और इसी के साथ ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। कॉन्स की बात करें तो इसमें जो रैम दिया गया है ये ऑनबोर्ड रैम है तो आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। इसका जो हार्ड डिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है तो इन फ्यूचर अगर आप इसको SSD में चेंज कर लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट कॉन की बात करें तो इसमें आपको कोई भी लैंड पोर्ट देखने को नहीं मिलता। तो अभी क्वेश्चन है कि ये जो लैपटॉप है ये किन के लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट हो और ऑनलाइन स्टडी के लिए एक लैपटॉप चाहते हो तो ये जो लैपटॉप है काफ़ी बढ़िया है, आप इससे ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हो या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर पावर पॉइंट या फिर एक्सेल के जो काम है इसको आप इजीली इस लैपटॉप के साथ कर सकते हो। लेकिन ये जो लैपटॉप है ये हेवी यूजेज के लिए नहीं है तो आप इस लैपटॉप से गेमिंग उतना कुछ खास नहीं कर सकते और इसी के साथ ये जो लैपटॉप है ये वीडियो एडिटिंग के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है। तो नॉर्मल यूजेज के लिए, ऑफिस वर्क के लिए या फिर ऑनलाइन स्टडी के लिए या फिर अगर आप मूवी देखते हो या फिर म्यूजिक प्ले करते हो तो इसके लिए ये जो लैपटॉप है काफ़ी सही है। तो अगर आप इस लैपटॉप को परचेस करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपके मन में इस लैपटॉप के बारे में जो जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।